हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हैजा रोग किसके कारण होता है। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, चलिए जानेंगे। ऑप्शन ए प्रोटोजोआ से, ऑप्शन बी विषाणु से, ऑप्शन सी फंग से, ऑप्शन डी जीवाणु से। इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है, गेस कीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके पास समय है 10 सेकंड का, आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका समय समाप्त। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी जीवाणु। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी जीवाणु। इसके बारे में कुछ जानेंगे संक्षिप्त में। हैजा व्यक्ति द्वारा दूषित भोजन या पानी पीने के कारण होने वाला आंत संबंधित संक्रामक रोग है। आमतौर पर यह विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण होता है। एक सामान्य परिप्रेक्ष्य में रोगी को पहले पतले दस्त होते हैं और 4 से 12 घंटे में वह आघात की अवस्था में पहुंच जाता है, और अगर उसे मौखिक पुनर्जलीकरण चिकित्सा प्रदान नहीं की जाती तो 18 घंटे के भीतर रोगी मृत्यु का ग्रस्त बन जाता है। ऐसे ही नई नई जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल ए रैपिड ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए।